हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। आज हम बात करेंगे शूज़ के बारे में कि आपको कौन से शूज़ लेने चाहिए और बॉलिंग स्पाइक्स, बैटिंग स्पाइक्स और स्टड में क्या फ़र्क होता है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इनको मैचेस में। गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास अच्छे शूज़ नहीं है तो आप कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे मैच में खेलते हुए, बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए। तो आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा बैटिंग स्पाइक्स और बॉलिंग स्पाइक्स में क्या फ़र्क होता है, कैसे आप ले सकते हो जब आपको लेने, क्या देखना है बैटिंग स्पाइक्स और बॉलिंग स्पाइक्स में। मैंने बहुत देखा है अपना बैटिंग स्पाइक्स में फास्ट बॉलर्स बॉल डालते हैं, तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। जो बॉलिंग के लिए स्पाइक्स है, जो आप कंफर्टेबल बॉलिंग के लिए होंगे वो बैटिंग के लिए कभी नहीं होंगे, और जो बैटिंग के लिए होंगे वो बॉलिंग के लिए होंगे। तो आज मैं आपको बता दूंगा क्या क्या फ़र्क होता है और स्टड्स कब लेने चाहिए, रनिंग शूज़ कब लेने चाहिए, कब ज़रूरत होती है। तो आज पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शूज़ सभी अपना क्रिकेटर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करेंगे स्टड्स के बारे में, स्टड्स आपको कब परचेज करने चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सभी क्रिकेटर्स के लिए स्टड्स। गाइस मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं ये एडिडास के स्टड्स हैं। स्टड्स आपको कैसे पता चलेंगे, एक रनिंग शूज़ होते हैं जो मेरे लेग्स में आप देख सकते हैं, एक स्टड्स होते हैं, ये स्टड्स हैं। इनमें आप देख सकते हो पीछे एक ग्रिप है, ऐसे शूज़ में ग्रिप आपको अच्छा हो जाएगा जब आप फील्डिंग या बैटिंग करोगे। स्टड्स होते क्यों गाइस, कहीं हमारा स्पाइक्स यूज़ नहीं होते, जैसे अभी ये स्पाइक्स है, कहीं कहीं टर्फ में स्पाइक्स यूज़ नहीं होते, वहाँ पर स्टड यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आप मैटिंग खेल रहे हो, कहीं टर्फ पे खेल रहे हो, वहाँ पे स्पाइक्स अलाउड नहीं होंगे, वहाँ पे आप स्टड्स यूज़ कर सकते हो। और स्टड्स का आपका फ़ायदा क्या है गाइस, जैसे आप घर से अपना ग्राउंड तक जाओगे तो आप स्टड्स बीच में पहन सकते हो, ग्राउंड पे जाके आप स्पाइक्स पहन सकते हो। स्टड्स आप स्टार्टिंग में स्टड्स से भी काम चला सकते हो, जब आप नई क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप स्टड ले सकते हो, बैटिंग में आपके बहुत काम आएंगे। तो स्टार्टिंग में आप स्टड्स परचेज कर सकते हो। इनका प्राइस बता दूं गाइस, ये आपको 2000 से 3000 के बीच में मिल जाएंगे, 2500 तक और 2000 के बीच में गारंटेड मिल जाएंगे। कभी कभी 2600-2700 रेट हो जाता है इनका, एडिडास के हैं, और सस्ते मिल जाते हैं आपको। आप देख सकते हैं वैजंती के सस्ते आते हैं, 1000 से 1200 तक बीच में वैजंती के भी आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आप जितना हो सके कम्फर्टेबल देखो, आपको जो कम्फर्टेबल होगा, और 2000 के बीच में आपको अच्छे स्टड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बैटिंग स्पाइक्स के बारे में गाइज, ये बैटिंग स्पाइक्स हैं प्यूमा के, और आपको पता कैसे लगेगा सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, बॉलिंग स्पाइक्स और बैटिंग स्पाइक्स में पता कैसे चलेगा गाइस। स्पाइक्स आप देख सकते हो नेल्स लगी है पीछे की साइड, स्पाइक्स बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलना है। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब ग्राउंड में ग्रास ज़्यादा होता है, हमारे टर्फ विकेट पर ग्रास होता है, तो पैर फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जब बॉलर्स बॉल फेंकते रनअप से आते हैं और अपना लैंडिंग फुट होता है, तो फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए स्पाइक्स होते हैं। घास में पैर फिसलने का खतरा होता है, इसलिए स्पाइक्स होते हैं। बैटिंग करते हुए पैर अपना फिसलने का खतरा होता है, इसलिए स्पाइक्स अलाउड होते हैं। इसलिए अब मैं आपको बता दूं फास्ट बॉलिंग स्पाइक्स और अपना बैटिंग स्पाइक्स में फ़र्क क्या होता है गाइस। सबसे बड़ा फ़र्क आपको बता दूं, ये अभी मैंने परचेज़ किए हैं, अपना अमेज़ोन से मंगवाए थे, एडी पावर विक्टर है फास्ट बॉलिंग स्पाइक्स, और ये बैटिंग स्पाइक्स है। आप देख सकते हो इनमें फ़र्क क्या है गाइस। सबसे बड़ा जो आप फ़र्क देख लो, इसका पीछे का अपना शेप देखो, इसका सीधा शेप है और इसका बड़ा शेप है। तो बैटिंग स्पाइक्स और फास्ट बॉलिंग के स्पाइक्स में फ़र्क कितना है, ये आपका शेप देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये छोटा है, ये नंबर छोटा भी है, पर आपको शेप दिखा दूं मैं अभी। शेप आपको बड़ा ही मिलेगा, जब आप स्पाइक्स बॉलिंग के लिए देखोगे पीछे वाला पोर्शन इसमें बड़ा मिलेगा, इसमें आपको सीधा मिलेगा। कम्फर्टेबल आप किसी में भी कर सकते हो, पर फास्ट बॉलिंग के अलग होते हैं, कम्फर्टेबल अलग होंगे फास्ट बॉलिंग के लिए। ये एडी पावर विक्टर है और ये फ़र्क होगा। और दूसरा फ़र्क आपको बता दूं गाइस, फास्ट बॉलर का जो लैंडिंग लेग पड़ता है, जब नो बॉल वाला लेग होता है, उसमें 7 times ज़्यादा वेट पड़ता है, जितना बॉडी वेट हमारी बॉडी में, उससे 7 times ज़्यादा पड़ता है जब आप भाग के रनअप में आते हो। इसलिए फास्ट बॉलर्स का अलग होता है, उसका ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अच्छा शू है, लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है फास्ट बॉलिंग का। इसका भी अभी आगे बताऊंगा, सबसे पहले बैटिंग का बता दूं, ये बैटिंग का है, ये भी प्यूमा का अच्छा शूज है गाइस। इसमें नेल्स है, कुछ बैट्समैन पीछे से नहीं निकाल देते हैं, कुछ सामने रखते हैं, सामने रखना बहुत ज़रूरी है सभी बैट्समैन के लिए। पीछे आप नेल्स निकाल के, एक की आती है, की से नेल निकाल के आप पीछे बटन्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं, पर जिस बैट्समैन के ये हैं उसको फुल नेल्स पसंद है, इसलिए उसने फुल नेल्स लगाया, आपकी मर्जी है, आप इसको हाफ भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं, पर ये बैट्समैन के लिए ज़रूरी है। ये आप स्टार्टिंग में आप स्टड से भी चला सकते हो, पर स्पाइक ज़रूरी है, आप स्पाइक्स भी लो, क्योंकि फील्डिंग करते हुए आपको स्पाइक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो बाद में आपको स्पाइक्स चाहिए, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही आदत डाल सकते हो। और गाइस इसका मैं आपको रेट बता दूं, ये आपको 4,000 से 4,500 के बीच में मिल जाएगा ऑफर में, आप अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं। वहाँ से मैं भी ऑनलाइन ही शूज़ लेता हूँ, जब भी मुझे स्पेक्स लेने होते हैं, ये भी मैंने जैसे ऑनलाइन ही मंगाए, आप भी ऑनलाइन चेक करते रहो, जब भी आपको ऑफर मिले तो उस टाइम आप मंगा सकते हो। ये 5,000 के बीच में आपको मिल जाएगा, आप ऑफर चेक करते हो। स्पेक्स ज़रूरी है, स्टार्टिंग में आप लो कॉस्ट स्पेक्स भी ले सकते हो, आपका पैर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वो 2,800 तक मिल जाएंगे। पर मैं प्यूमा का आपको बता रहा हूँ स्पेक्स ज़रूरी क्यों है और कैसे स्पेक्स यूज़ करने हैं, ये निकाल भी सकते हैं बैट्समैन,
और नहीं भी निकाल सकते जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब बात करते हैं फास्ट बॉलिंग स्पैक्स के, जो गाइज अभी मैंने परचेज किए, मैंने ही परचेज किए, अभी यूज़ भी नहीं किए, तो इसलिए पहले आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है गाइज, आपको हमेशा ध्यान रखना है कंफर्टेबल है आपके स्पैक्स या नहीं। मैंने देखा है कि ये फास्ट बॉलर भी यूज़ करते हैं प्यूमा के स्पैक्स, ये कंफर्टेबल इतना नहीं है गाइज, मैंने बता दिया। इनका देखो लेदर भी छोटा है पीछे से, और इसका कितना बड़ा है यही ध्यान रखना है, कितना छोटा है। इसका देखो कितना बड़ा है नीचे वाला हिस्सा, इसका कितना छोटा है यही ध्यान रखना है। और लाइट वेट है, बहुत कंफर्टेबल है। और इसमें पीछे तीन नेल्स है, आप नेल्स ये मत देखो इसमें तीन क्यों है गाइज, जैसे हमारी ग्रिप होती है लैंडिंग लेग होता है उसमें तीन भी कंफर्टेबल रहेंगे, ज़रूरी नहीं चार ही, तीन भी कंफर्टेबल रह सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपको देखना है कि कंफर्टेबल आपको हो रहे हैं और थोड़ा कंपनी वाले स्पाइक्स हो। स्टार्टिंग में यूज़ आप कर सकते हैं 2,000 से 3,000 वाले स्पाइक्स, आपको आदत हो जाएगी क्योंकि अभी आप बिगनर हो। उसके बाद आप जब भी परचेज करें तो अच्छी कंपनी करें, ऑफ़र देखते रहें जब भी आपको ऑफ़र मिले। ये फास्ट बॉलर्स के स्पाइक्स लाइट वेट है और बहुत अच्छी ग्रिप बनती है गाइस। इसमें ये वैसे 12,000 का, मैंने ऑफ़र में ये 6,000 का लिया। इसमें आप देख सकते हैं टाइट करने वाला भी है, इसमें जब आप पैड डालोगे तो थोड़ा टाइट भी हो जाएगा इससे, ये टाइट करने का है, इससे टाइट भी कर सकते हो। और इसमें लेजीज भी है उससे भी टाइट कर सकते हो। तो गाइस आज मैंने आपको स्पैक्स के बारे में बताया, इन सब का शूज़ का लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं जब भी आप ऑफ़र चेक करके, जब भी आपको ऑफ़र मिले। ये ज़रूरी है सभी। और आपको बता दूं एक रनिंग शूज़ है जो अभी मैंने डाले हुए, ये आप जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो या आप कहीं पर जा रहे हो तो उस टाइम रनिंग शूज़ डालें, और जैसे आप बोल रहे तो अपने बैग में स्पैक्स कैरी करें, और स्टड और स्पैक्स जो भी आपको लगे जहाँ भी मैच है, जैसे मैटिंग पे मैच है तो आप स्टड्स कैरी करें, नहीं तो आप स्पैक्स भी कैरी कर सकते हैं। ये सभी ज़रूरी है अगर आपको अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलना है। स्टार्टिंग पे आप स्टड से भी चला सकते हैं, स्टार्टिंग पे आप इन स्टड से भी चला सकते हैं। जब आप अच्छे हो जाएं, आप पैसे आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आप स्पैक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।